शाओलिन टेंपल है, बहुत सारे अटैक वटैक भी होने लगे, तो डिफेंस स्टार्ट किए थे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं स्टार्ट किए थे। और आप यहाँ देख सकते हो एक स्टूडेंट, निहाओ निहाओ, थैंक यू सो मच। तो यार देख सकते हो यहाँ के बच्चों को देख के लगते हैं बड़े बड़ों को धूल चटा देंगे। शाओलिन टेंपल बनाई गई थी एक इंडियन के द्वारा, बौद्ध धर्म नाम के एक इंडियन के द्वारा। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आते हैं ट्रेनिंग लेने, कुंफू सीखने या फिर मेडिटेशन करने। यहाँ पे जो शाओलिन टेंपल पे स्टैचू लगे हुए हैं ये अलग लेवल पे कलरफुल है और बहुत ही ज्यादा यूनिक देखने मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पर जो सारी चीजें रखी हुई है ये हिंदुइज्म से बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखती है। आज भी अगर कुंफू का नाम आता है तो सबसे पहले लोग ब्रूस ली का ही नाम लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेनान प्रोविंस के कैपिटल जेंगजू में। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा रहेगा मैं था शेंजन में, और शेंजन से मैं जेंगजू पहुंचा हूँ भाई ओवरनाइट ट्रेन लेके। तकरीबन भाई 22 घंटा लगा और 1800 किलोमीटर हम ट्रेवल करके आए हैं। और देख सकते हो ये है मेरी होटल, यहाँ पर जंगसो आया हूँ यहाँ पर शाओलिन टेंपल विजिट करने। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि भाई शाओलिन टेंपल दिखाइए, शाओलिन टेंपल दिखाइए। तो हम पहुंच गए जेंगजो, और आप लोगों को बता दूं भाई ये मेरा तीसरा दिन है, लास्ट दिन है चाइना में। तो मैं यहाँ पहुंच गया कैसे कैसे करके भाई, ताकि आप लोगों को मैं शाओलिन टेंपल दिखा दूं। बहुत ही मजा आने वाली है भाई, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा आप लोगों को शाओलिन टेंपल के बारे में बता दूं भाई, कुंफू वहां से स्टार्ट होता है। और सबसे मेन और सबसे हाईलाइट ये है कि जो कुंफू स्टार्ट किए थे वो हमारे इंडिया से थे। वो सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आगे देते रहता हूं। और बात करें इस शहर की जंगजो की, तो भाई ये ज्यादा कुछ डेवलप नहीं लग रहा है मुझे। आप देख सकते हो बाइक वगैरह ऐसी खड़ी हुई है और पूरा केबल वगैरह आप लोगों को ऊपर देखने मिलेगा। यहाँ पर ज्यादा लंबी बिल्डिंगें नहीं देखने मिलेगी, छोटी छोटी बिल्डिंगें देखने मिलेगी भाई। तो यहाँ सिर्फ हम आए हैं शाओलिन टेंपल विजिट करने, और आज ही मेरी जंगजो से फ्लाइट है। तो आज का सिर्फ एक दिन है, तो हम यहाँ से चलेंगे शाओलिन टेंपल, जो कि भाई तकरीबन यहाँ से 75 किलोमीटर है। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लास्ट दिन है, आज ही रात में मेरी फ्लाइट है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टैक्सी लेके चलेंगे। और रास्ते में भाई एटीएम से पैसा निकालना है, पैसा नहीं है। और ये शहर जैसा कि आप लोगों को दिखाया मैं, तो अभी बज रहा है 2:30 और हमको शाओलिन टेंपल पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा। काफी लंबा डिस्टेंस होने वाला है। तो टैक्सी भाई देखते हैं यहाँ पे, रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे भाई, इसको बोलना पड़ेगा इतना लॉन्ग डिस्टेंस का ये ट्रैवल लेगा कि नहीं। मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, शाओलिन। यार आप लोगों ने देखा था मैं उस टैक्सी में बैठा भाई, ड्राइवर एकदम पागल था। वहाँ से हम चले 1 किलोमीटर और आके थोड़ा सा यहाँ इस तरफ रुक गए थे, बोलता था मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक है, मुझे 1 घंटा चार्ज करना पड़ेगा फिर चलेंगे। मैं बोला भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो बोला भाई 1 घंटा चार्ज कर लेंगे, 1 घंटे में जाते क्या है। मैं बोला भाई शाओलिन टेंपल बंद हो जाएगी, तो बोला भाई नहीं जाना है तुम्हारे साथ में। बोला नहीं नहीं 1 घंटा लगेगा। बोला भाई जाना ही नहीं है, तो मैं जबरदस्ती उतर गया हूँ। अब यहाँ देखते हैं, दूसरी टैक्सी तो दिख ही नहीं रही है यार यहाँ पे भाई, लेट पे लेट कर रहा है, इधर भी कोई टैक्सी नहीं दिख रही है, इसमें चले जाऊँगा। तो यार कोई भी टैक्सी तैयार नहीं हो रही है शाओलिन टेंपल जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। जितने भी टैक्सी वाले लोगों को पूछ रहा हूँ मैं, सबको गाड़ी चार्ज करना है। तो मैं बोला भाई और कुछ ऑप्शन लग रहा नहीं है, तो हम ये भाई से बुक कर लिए हैं गाड़ी। और देख सकते हो यहाँ आए हैं हम गाड़ी चार्ज करने, बोले भाई 20 मिनट में लगभग चार्ज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ऐसे चार्जिंग स्टेशन बने रहते हैं, यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता, अपने आप खुद आइए पेमेंट करो और अपना चार्ज कर लो खुद से भाई। कोई भी एक आदमी आप लोगों को यहाँ नहीं दिखेगा, देखिए की भी जरूरत नहीं, अपना खुद से पेमेंट करने का वहाँ पे और वहाँ से वो निकाल के चार्ज कर लेने का। तो काफी ज्यादा अच्छा सिस्टम है भाई। आप लोगों को यहाँ पेट्रोल पंप ना के बराबर दिखेंगे, सिर्फ आप लोगों को यही दिखेगा। तो देख सकते हो ये ऐसी कुछ टैक्सी चलती है जंगजाऊ में। तो यार मैं बोला भाई कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, पहले 2-3 लोग से पूछ लिया, तो 20 मिनट लगेगा चार्ज करने में, चार्ज करते हैं फिर निकलेंगे हम शाओलिन टेंपल से। और साथ में भाई से बात कर लिए कि वहाँ जाना है और थोड़ा टाइम रुक के रिटर्न आना है, तो भाई बोले मैं डिस्काउंट में कर दूंगा। तो देखते हैं जितना भी होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देख सकते हो वहाँ पर हमारी कार चार्ज हो रही है, और भाई अंदर इतनी गर्मी लग रही है अभी के टाइम पे, इतनी ज़्यादा कड़क गर्मी है, तकरीबन 38 डिग्री टेम्परेचर है अंदर, कार भट्टी बन गई थी। तो भाई मैं आया हूँ, देख सकते हो एक छोटा सा स्टोर है, यहाँ पर जूस वगैरह लेते हैं यार, क्योंकि भाई सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। तो यहाँ देखिए यहाँ जूस वगैरह भी रखा हुआ है, मैं ये लेता हूँ यार, मैं एक बार ट्राई किया बहुत अच्छा रहता है ये कुछ 5 RMB का आता है 30-40 रुपये का। और अरे भाई ये तो दारू की दुकान है यार, सारे दारू रखे हुए हैं यहाँ पर, सिगरेट दारू वगैरह रखे हुए हैं। दिस 4 ओके भाई 4 का कैश 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 नो दिस कैश कैश ये यहाँ भाई ये चलता है, मेरे पास तो वो है नहीं, मैं कैश देता हूँ इनको। कैश कैश ओके। तो यार चाइना जो है ना वो कम्प्लीटली कैशलेस हो गया, कहीं भी जाओ आप चाइना की कोई भी सिटी में जाओगे वहाँ कैश लेंगे नहीं, कैश दोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई किडनी मांग ली है। तो भाई ये मिला है 4 युआन का, तो जो कि होता है तकरीबन 44, तो ठीक है। और देख सकते हो भाई बड़े बड़े जार रखे हुए हैं जिसके अंदर यहाँ की दारू रहती है। तो जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है यहीं बैठते हैं पीते हैं, क्योंकि गाड़ी में तो बहुत गर्मी लग रही है भाई। क्या बात है यार, हमारी टैक्सी तो बहुत जल्दी चार्ज हो गई, बहुत अच्छा सिस्टम है यार, मतलब
15-20 मिनट में चार्ज हो जाती है गाड़ी, काफ़ी अच्छा यार। तो हमारा सफ़र हम कंटिन्यू करते हैं ये भाई के साथ में। चलो चलो भाई चलो। यार यहाँ का नज़ारा देखिए यार, क्या ग्रीनरी है आप देख सकते हो, और रोड वगैरह यार यहाँ का भी बहुत अच्छा है। जब जब मैं बोला हूँ चाइना की ये शहर ठीक ठाक नहीं है, तो मुझे यार बहुत ही अच्छी चीज़ देखने मिल जाती है। अभी मैं आप लोगों को जब होटल के पास थे वहाँ बोला था यार ये शहर ठीक ठाक नहीं है, लेकिन यहाँ आया हूँ तो सामने पहाड़ और यहाँ के रोड देखिए, वो देखिए क्या बात है यार, क्या ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और रोड तो आप लोगों को मालूम ही होगा यहाँ कितना ज़्यादा अच्छा रहता है। साइड में देखिए छोटा छोटा पार्क वगैरह बना हुआ है। तो यहाँ देखिए भाई डिस्कवरी चैनल की गाड़ी आओ, डिस्कवरी साथ में शूट करेंगे। डिस्कवरी वाले लग रहे हैं मेरे साथ शूट करने आ रहे हैं। आ जाओ भाई, एक दिन तुमको साथ में शूट करना ही है। तो यार शाओलिन बस हम पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले का नज़ारा देखिए। मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि ये जगह भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत चौड़ी है, और डेवलप कितना अच्छा है यार। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और ये पहाड़ दिख रहे हैं यार क्या ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जैसे लग रहे हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप के हैं। तो देखिए मेरा ख्याल है ये है एक पेट्रोल पंप, बहुत दिन बाद एक पेट्रोल पंप देखने मिला है चाइना में। तो चलते हैं, हम हमारा सफर कंटिन्यू करते हैं शाओलिन की तरफ, ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच। तो यार फाइनली हम पहुंच गए हैं शाओलिन टेंपल के एंट्रेंस पे। यहाँ का व्यू देख सकते हो यार काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ थोड़ा सुवीनियर वगैरह आपको लेना है उसके लिए दुकान बनी हुई है, यहाँ छोटा सा रेस्टोरेंट है। और भाई ये देखिए वॉशरूम कितना ट्रेडिशनल स्टाइल में बना के रखे हैं। तो देखिए वहाँ लिखा हुआ है टिकटिंग ऑफिस इस तरफ, तो चलते हैं टिकट लेते हैं और देखते हैं भाई टिकट कितने की आती है। और यहाँ का जो नज़ारा है ना भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग देखे रहेंगे आधे टाइम, इतने खूबसूरत और इतने अच्छे अच्छे पहाड़ देखने मिलेंगे, वो पहाड़ के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो पहले चलते हैं टिकट लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पर। स्कूल वगैरह की भी पिकनिक आई है यहाँ पर ज़्यादा बच्चे ही दिख रहे हैं मुझे स्कूल वगैरह के। जिस टाइम पे मैं एंटर कर रहा हूँ लोग रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन अभी शाम हो गई, लेकिन फिर भी मैं बोला भाई चलो विजिट कर लेते हैं आखिरी दिन आप लोगों को दिखा दूँ। ओहो क्या बात है यार, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना के रखे हैं। तो पता लगाते हैं टिकट कहाँ मिलेगी यार, फोटो नो थैंक यू। और ये टोपी काफ़ी अच्छी है यार धूप से बचने के लिए, 360 डिग्री की प्रोटेक्शन मिलती है। टिकटिंग ऑफिस टिकट हाँ देखिए टिकट यहाँ है। यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर किया मुझे ये मिल गए, बोल रहे हैं कि इंग्लिश टिकट और नो 300 युआन में इंग्लिश टूर गाइड बोल रहे हैं नहीं चाहिए। वेयर कैन आई फाइंड टिकट नो भाई ये तो टूर गाइड पे 300 युआन मांग रहे थे उसका टूर का। मैं वहाँ गलत साइड पे चले गया था, देखिए यहाँ है टिकट बुकिंग ऑफिस। तो चलते हैं यार, तो पीछे से आप देख सकते हो यहाँ से टिकट ले लिए, मिली है 70 युआन की जो कि होते हैं 800 रुपए। अब चलते हैं अंदर, हमको यहाँ से एंट्री करना है। और यहाँ का एंट्री गेट देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा बना के रखे हैं। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, सारा टेंपल आप लोगों को ट्राई करूंगा घुमाने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से मैं टिकट दिखा के एंटर हुआ हूँ, और आप लोगों को थोड़ा सा शाओलिन टेंपल के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर आगे डिटेल जो है सारी मैं बताते रहूँगा। जो शाओलिन टेंपल है वो आज से तकरीबन 1500 साल पहले स्टार्ट किया गया था, और जो स्टार्ट किए थे वो हमारे इंडिया से थे, उनका नाम था बौद्ध धर्म, जिनको बोलते हैं कि वो है साउथ इंडिया से। तो लिटरली सोच सकते हो वो साउथ इंडिया से चल चल के पूरा नॉर्थ इंडिया क्रॉस करके पूरा तिब्बत क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये देखिए भाई सारे बच्चे अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हैं देख सकते हो, क्या बात है यार। और कितने सारे बच्चे हैं यार इधर, ये जगह का नाम देखिए भाई, यहाँ लिखा हुआ है धर्मा हॉल। यार बच्चे अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग आप वो नंचेंग जिसको बोलते हैं वो लेके उससे ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए ओहो भाई कुंफू ब्रूस ली, अरे बाप रे क्या बात है यार, और बहुत सारे बच्चे यार, मुझे लगा नहीं था इतने सारे लोग होंगे। और यहाँ भी देखिए, मतलब ये मेरा ख्याल है बैच के हिसाब से चलता है, इतने बच्चे नहीं होंगे और भी बच्चे होंगे। देखिए वहाँ पे कूदम कादी कर रहे हैं बच्चे, मेरा ख्याल है एक बच्चा मार देगा बड़े आदमी को। तो ये बच्चे लोग को ट्रेनिंग करने देते हैं, और आप लोगों को बताता हूँ ये जो कुंफू है ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए स्टार्ट नहीं किए थे, ये स्टार्ट किए थे क्योंकि मोंग जो होते थे वो बहुत टाइम तक एक ही जगह बैठे रहते थे, तो इसलिए वो एज ए फिजिकल ट्रेनिंग वो स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद ये शाओलिन टेंपल है, बहुत सारे अटैक भी होने लगे, तो इसलिए एज अ डिफेंस स्टार्ट किए थे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं स्टार्ट किए थे। और आप यहाँ देख सकते हो एक स्टूडेंट, निहाओ थैंक यू सो मच, देख सकते हो भाई एक कुंफू फाइटर हमारे जो कि थोड़ी इंग्लिश बोले थे। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अलग है, कोई पहने ग्रे कलर का कोई पहने ब्लू कलर का, मेरा ख्याल है कुछ रैंक के हिसाब से होता होगा। और यहाँ भी देख सकते हो सारा रास्ता है, यहाँ भी रास्ता है, तो हम देखते हैं मैप देखते हैं, देखिए वहाँ मैप है। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ मैप बना हुआ है कि कहाँ कहाँ विजिट करना है, जो शाओलिन टेंपल है। और यहाँ दो तीन टाइप के अलग अलग टेंपल भी है, यहाँ पर कुंफू ट्रेनिंग सेंटर, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है। अगर सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है बिना ज़्यादा चले, क्योंकि भाई बहुत दूर दूर पे, तो आप लोगों को यहाँ ऐसी वाली गाड़ी मिल जाएगी जो कि 25 युआन लेती है राउंड ट्रिप पर। अगर एक तरफ जाना है तुमको तो 15
लगेगा जो कि होते हैं 180 रुपये। अगर तुमको आना जाना है तो 300 रुपये लगेगा, गाड़ी आप लोगों को सारे पॉइंट पे घुमा देगी। तो यार हम गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि हम कहाँ घूमेंगे, 25 यून 300 रुपये में हर पॉइंट पे आपको लेके जाएगी। तो यहाँ हम टिकट निकालते हैं, 25 1 1 only 1 people, या 30 रिटर्न। तो रिटर्न मेरा ख्याल है 25 यहाँ लिखा हुआ है, तो 25 ही होगी। और यहाँ आपको टिकट दिखा के अंदर लाइन में जाना है और यहीं गाड़ी आपको यहाँ से पिक करेगी। लास्ट टाइम 7:30 यहाँ से। जैसे कि आप लोगों ने देखा टिकट मिल गई है 25 यून की राउंड ट्रिप, जो लेके भी जाएगी, सारे पॉइंट घुमाएगी। और जो लास्ट आने वाली बस है वो 7:30 बजे की है, अभी तो 5:15 हो रहा है, तो काफी ज्यादा टाइम है हमारे पास। तो यहाँ रुकते हैं, देखिए 3-4 लोग और रुके हुए हैं वो गाड़ी के लिए। नियाओ टिकटॉक बन रहा है, लेट्स गो टिकटॉक बना लिए मेरे साथ में भाई। देखिए ऐसी कुछ गाड़ी है जो सारे पॉइंट पे लेके जाएगी, तो हम बैठते हैं। क्या बात है, तो बहुत सारे लोग, हेलो ओ फास्ट है यार गाड़ी, ये देखिए। तो यार मुझे बहुत सारे चाइनीज लोग ये बोले थे कि आप बिना परमिशन किसी का भी वीडियो बना लेते हैं, बहुत सारा वीडियो मेरा भी बिना परमिशन बनता है। तो यार ये चलता है, नॉर्मल चीज है यार। तो यार ओहो व्यू के साथ यार 25 यून वर्थ है इसके भाई। ओ भाई पॉइंट पे जाते जाते आप यहाँ कुंफू देख सकते हो फाइट, देखिए टीवी में कुंफू दिखा रहे हैं, और काफी अच्छी गाड़ी है यार। और देखिए वीडियो कॉल करके किसी को दिखा रहे हैं, क्यूरोसिटी बहुत रहती है भाई फॉरेनर। तो यार वो गाड़ी हमको यहाँ उतार दी, यहाँ देख सकते हो कितनी ज्यादा खूबसूरत एक टेंपल है, लेकिन ये अभी बंद है। और हमको जो मेन टेंपल वगैरह सारी चीजें है वो इस तरफ है, तो हमको इस तरफ जाना है। और यहाँ देखिए यार कितना ही ज्यादा प्यारा सा झरना लग रहा है, और पीछे सारे पहाड़। मैं आप लोगों को इस तरफ से दिखाता हूँ, इस तरफ से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगते है ये ब्रिज। ये देखिए कितनी ही ज्यादा अच्छी लग रही है ये ब्रिज, और नीचे सारा पानी देख सकते हो कितना ज्यादा क्लियर है। तो हम चलते हैं इस तरफ जहाँ सारी मेन चीजें हैं, और यहाँ देखिए यार शेर वगैरह लगा के रखे हैं। तो यार एक फायदा लग रहा है मुझे शाम में आने का, आप देख सकते हो क्राउड काफी ज्यादा कम है। सुबह का टाइम जो होता है उसमें क्राउड बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने मिलेगा, अभी तो देखते हो कितना शांत है, ज्यादा लोग नहीं देखने मिलेंगे। तो मुझे दूर पे दिख रहे हैं थोड़े से मॉन्क्स, तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी शाओलिन टेम्पल की डिटेल दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है शाओलिन टेम्पल जो है वो वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट का पार्ट है। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पर 8 चीजें हैं देखने के लिए, और यहाँ पर बताया गया है कि 495 AD में इसको बनाया गया था बौद्ध धर्म के द्वारा, जो कि इंडिया से थे। तो यार यहाँ इंडिया का नाम देख के काफी अच्छा लगा, चलते हैं देखते हैं। और यहाँ पर मुझे भाई बहुत सारे टूर गाइड और साथ साथ कैमरामैन देखने मिल रहे हैं भाई, ये तो पीछे ना पड़े। तो चलते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ चीजें, काफी ज्यादा शांति यार इस टाइम पे, सुबह तो बहुत ज्यादा भीड़ होती होगी। तो देख सकते हो ये मेरे सामने जो है ये है मेन टेम्पल। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं, सेलिब्रिटी भी आती है ट्रेनिंग लेने, कुंफू सीखने और थोड़ा मेडिटेशन करने। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, एक यूट्यूबर है वो आके यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह लिया था। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है भाई, सारा बाल वाल काटना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को कुंफू सीखने का प्लान है तो आप इनकी वेबसाइट पर सारी डिटेल देख सकते हो। और भाई काफी ज्यादा आप लोगों को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। जैसे कि आप लोगों को बताया शाओलिन टेम्पल बनाई गई थी एक इंडियन के द्वारा, बौद्ध धर्म नाम के एक इंडियन के द्वारा। उन्होंने अपना सफर साउथ इंडिया से स्टार्ट किया, पूरा नॉर्थ इंडिया, फिर उसके बाद तिब्बत, पूरा पैदल चल चल के वो यहाँ तक पहुंचे थे। तकरीबन आप समझ सकते हो 3,000-4,000 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक पहुंचे थे। फिर उसके बाद ये जो मोनेस्ट्री देख रहे हैं इसके पास एक केव है, वहां पर वो 9 साल मेडिटेशन किए थे। और ये जो पहाड़ देख रहे हो जिसपे मौजूद है, आप देख सकते हो ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ का नाम है शोंगशन माउंटेन। ये बहुत ही ज्यादा रिलीजियसली इंपॉर्टेंट पहाड़, ये कौन सी गाड़ी आ गई भाई, तो ये बहुत ही ज्यादा रिलीजियसली इंपॉर्टेंट पहाड़ है चाइनीज। क्या हुआ भाई, ये कौन सी गाड़ी आ गई भाई, कुंफू मास्टर लोग बैठे थे अंदर। तो मैं आप लोगों को बताया था ये जो माउंटेन पे बना हुआ है, ये शोंगशन माउंटेन पे, ये चाइनीज लोग के लिए रिलीजियसली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन है, जो इनका 5 होली माउंटेन है उसमें से एक ये माउंटेन इसको बोलते हैं। तो यार चलते हैं अब अंदर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से। इसकी सीढ़ी वगैरह आप देख सकते हो काफी पुराने टाइप की लग रही है, क्या बात यार। लकड़ी वगैरह जो यहाँ का आर्किटेक्चर है वो देख के आपको समझ में आ जाएगी काफी ज्यादा पुराने टाइम से वैसी की वैसी है। यहाँ पर टिकट देख, तो देख सकते हो हम एंटर हो गए हैं शाओलिन टेम्पल के अंदर वाले पार्ट में, और यहाँ भी आप लोगों को टिकट दिखा के आना पड़ेगा। तो टिकट भाई घुमाना नहीं, ध्यान से रख लेना अपने पास में। और यहाँ देखिए यार
बहुत ही ज़्यादा शांति आप लोगों को देखने मिलेगी। और यहाँ पर शाओलिन स्कूल के बारे में डिटेल दी गई है, अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है तो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन सारे चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। और यहाँ का सारा अंदर का नज़ारा देखिए यार, शाम के टाइम पे कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या देखने मिलता है। एंटर करते साथ ही आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चाइनीज़ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देखने मिलेगा। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कितना ही ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल लगता है ये, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यार यहाँ पर देख सकते हो एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे ग्रैंड मास्टर के नाम लिखे हुए हैं और उसमें माइक टायसन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का भी नाम लिखा हुआ है। फिर नीचे वाले सेक्शन में आप देख सकते हो थोड़े मास्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, फिर नीचे पार्टिशनर्स के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये सारे पूरे बोर्ड में मैं सिर्फ दो लोगों को जानता हूँ, वो आप ऊपर देख सकते हैं माइक टायसन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। बाय बाय बाय, कितने प्यारे हैं, फोटो लेने आए थे शीशे। आप लोगों ने देखा मैं बैठा था बेंच पे, तो कुछ बच्चे आके फोटो वगैरह खिंचाने लगे। तो लोग चाइना में भाई हर जगह बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है भाई फॉरेनर को लेके। आप लोगों ने इस वीडियो में दो तीन बार देखा ही होगा। तो देखिए भाई यहाँ पर एक पेड़ है बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा यार, बहुत बड़ा है, लिटरली आप लोगों को दिखेगा नहीं कहाँ तक गया है। और यहाँ लेकिन कुछ लिखा हुआ है, देखिए चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो इसमें 1500 लिखा है। मेरा ख्याल है कि 1500 साल पुराना है क्या भाई, जिसको चाइनीज़ आती है तो वो बताना, मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रही, मेरा नेट बराबर चल रहा नहीं है। और यहाँ सारी देख सकते हो बेंच बनी हुई है भाई बैठने के लिए, ये देखिए। तो चलते हैं अंदर, मैं आप लोगों को और सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो यार इस टेंपल में 3-4 सेक्शन बने हुए हैं, पहले बाहर का सेक्शन है, फिर सीढ़ी चढ़ के आओगे तो आपको दूसरा सेक्शन मिलेगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ है तीसरा, फिर उसके बाद है चौथा, और यहाँ तीसरे सेक्शन के बाद आप देख सकते हो दो बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं यार, मतलब बड़े हैं और मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आदमी दिख रहे हैं। एक इधर स्टैचू आप लोगों को देखने मिलेगा और एक इस तरफ, ये देखिए क्या बात है। और डिज़ाइन जो ऊपर की आप देख सकते हो, ये टेंपल के ऊपर की डिज़ाइन कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत, कितनी ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। लेकिन यहाँ सारी चीज़ें जो है वो चाइनीज़ में लिखी हुई है, और ट्रांसलेशन का बोर्ड भी आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। तो यार अब मैं खड़ा हूँ एकदम सेंटर में शाओलिन टेंपल के। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आप लोगों को गेट देखने मिलेंगे, इस तरफ देखिए चार माले की टेंपल जैसी है। यहाँ देखिए यहाँ जो स्टैचू है वो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, डिटेल देखो भाई कितना ज़्यादा डिटेल में बनाया गया, और कितना ज़्यादा कलरफुल कपड़े इनके हैं, ये देखिए बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बारीक बारीक देखने मिलेगा। और यहाँ देखिए भाई नीचे किसके ऊपर तो पैर रखे हुए हैं, ये क्या मतलब है इसका, मुझे तो इतना डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ एक और महाशय गुस्से में जो बैठे हुए हैं, और ये भी किसी के ऊपर पैर रखे हुए हैं, ये देखिए। और इनका कपड़ा देखिए यार कितना ज़्यादा कलरफुल बनाया गया है, और डिज़ाइन सारी आप ऊपर के देख सकते हो। और इस तरफ देखिए ऐसे सिमिलर दो और स्टैचू लगे हुए हैं, लेकिन इनके पैर देख सकते हो आप, ये पैर किसी के ऊपर रखे नहीं है, ये इनका कोई पैर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कुछ इनके मीनिंग होंगे, मुझे तो इतना डिटेल में इसका बारे में मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए हर 15-20 फीट पर आप लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जहाँ पर एक कछुए के ऊपर एक दीवार सी बनी हुई है, आप देख सकते हो ऐसी कुछ दीवार बनी हुई है। और नीचे आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही गुस्से में कछुआ देखने मिलेगा, इसका भी भाई कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। और देखिए वहाँ पर भी ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ऐसा भाई हर आप लोगों को 20-30 फीट में आप लोगों को ये देखने मिलेगा। और चलते हैं एक और फ्लोर ऊपर, और इधर की डिज़ाइन देखिए भाई, ये वाली जो बिल्डिंग है इसकी डिज़ाइन देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी अगरबत्ती जला कर रखे हैं। तो यार ये लगता है बहुत छोटी टेंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई, कम से कम 10 सेक्शन में होगी यार। और आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट देख सकते हो यहाँ आ रहे जा रहे हैं, वो मेरा ख्याल है पढ़े मास्टर हैं, ये स्टूडेंट लोग हैं, ये देखिए। तो यार मेरा ख्याल है हम पहुँच गए हैं इस शाओलिन टेम्पल के सबसे मेन पार्ट में, और आप लोगों को यहाँ पर एक 1500 साल पुराना बर्तन देखने मिलेगा। इसमें मुझे लगता है यहाँ के जो स्टूडेंट हुआ करते थे उन लोगों का खाना बनता था, लेकिन अब इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, ये टूट सा गया है। चलते हैं ऊपर, देखते हैं यहाँ पर क्या देखने मिलता है। तो हम आ गए हैं यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ देखने मिल रही है, गणपति मूर्ति जैसा आप लोगों को एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा यहाँ पर। तो यार यहाँ पर हिंदुइज़्म से काफ़ी कुछ सिमिलर चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अंदर क्या देखने मिलता है। और ये जो टेम्पल है ये बनाई गई है लकड़ी से, लेकिन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप देख सकते हो। तो अंदर क्या है, अंदर का हालचाल हम देखते हैं यहाँ से। अच्छा ये किस चीज़ का स्टैचू है मुझे मालूम नहीं, मेरा ख्याल है स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और यहाँ का देख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कई 100 साल पुराना है, या फिर मेरा ख्याल है 1500 साल से चेंज नहीं हुआ, हो सकता है यार ना भी हो सकता है। तो ये है शायद स्लीपिंग बुद्धा। यहाँ का जो माहौल है इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो, ये देखिए लोग बहुत ही ज़्यादा कम है, शाम का टाइम जो है परफेक्ट है मेरा ख्याल है यहाँ विज़िट करने के लिए, सुबह तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी। और जो सारे पीछे पहाड़ दिख रहे हैं यार, वो तो भाई क्या ही बताना, आप लोग देख ही सकते हो।
आपको दो तीन बार पहले भी बोल चुका हूँ भाई, काफी ज्यादा बड़ी टेम्पल है। मैं जितने भी पहले वीडियो देखा हूँ शाओलिन टेम्पल के, मुझे सारे वीडियो में लगा ही नहीं कि शाओलिन ही बड़ी टेम्पल होगी। आप लोगों को पूरा दिन जाएगा पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। जहां तक नजर जाए आप लोगों को बहुत सारे सेक्शन बने हुए, यहाँ जाइए ऊपर जाइए फिर यहाँ तीन चार सेक्शन बने हुए, तो काफी ज्यादा बड़ी है यार टेम्पल। यार कुंफू जो फेमस हुआ है वो ब्रूसली से बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें, अमेरिका वगैरह में, वो ब्रूसली की वजह से बहुत फेमस हुआ। और अपने लोगों को भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ब्रूसली से मिली है, ब्रूसली की पिक्चर से। और आप लोगों को बहुत सारी कुंफू की पिक्चरें भी देखने मिलेगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर है भाई ब्रूसली है। ब्रूसली की डेथ आज से तकरीबन 50 साल पहले हुई थी, अराउंड 1973 में, लेकिन आज भी कुंफू का नाम आता है तो सबसे पहले लोग ब्रूसली का ही नाम लेते हैं। देख सकते हो हम अभी नीचे उतर रहे हैं और यहाँ मेरा ख्याल एक पिक्चर की शूटिंग चल रही है कि कुछ सेटअप वगैरह लग रहा है। चलिए नजदीक से चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। अच्छा कुछ शूट वगैरह चल रहा है, वो क्या मालूम पिक्चर का है कि नॉर्मल कमर्शियल शूट कर रहे हैं। लेकिन कोई हीरो वगैरह तो दिख रहा नहीं, ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। तो यार अब निकलते हैं बाहर, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हम थे, लेकिन यार मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी अच्छे से बता दिया। जो जो मेरे से हुआ, जो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैं सारी आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं। तो अब निकलते हैं बाहर, ये लास्ट वाली सीढ़ी है, इसके नीचे डायरेक्ट मेन गेट आने वाला है, फिर वहां से हमको गाड़ी लेके जाना है। तो एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा, ये था मेरा लास्ट वीडियो चाइना का। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया चाइना की सीरीज को, उसके लिए बहुत 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 ज्यादा थैंक यू। तो प्लीज कमेंट करके बताना इसके बाद कहाँ विजिट करूँ, आप लोगों को आगे की सीरीज अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और नए देश में एक और नए वीडियो के साथ और एक और नए एडवेंचर पे।